रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब घर में ठीक होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ केक रस। देख लें, ये मैंने चीनी ग्राइंड करके रखी है 1 कप, और ये है जी मेरे पास मैदा, ये मैंने लिया है 1.5 कप, और मैंने अपने मुताबिक इसमें चीनी डाली क्योंकि ज़्यादा चीनी हम पसंद नहीं करते। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, साथ में मैंने और घी जो है वो ले लिया है, इसमें थोड़ा सा गर्म कर लिया, इसमें मैंने बच्चों को पापड़ निकाल दिए। और ये अंडे, मैंने 4 अंडे लिए, इनको मैंने थोड़ा सा भी फेंटा है बीटर के साथ। आप लोगों के पास अगर बीटर ना हो तो आप हैंड बीट भी कर सकते हैं। और ये पापड़ जो मैं कल लेकर आई थी बच्चों के लिए, वो मैंने भी उनको जो है वो थोड़े से निकाल के दिए हैं। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में केक रस की रेसिपी शेयर करेंगे, तो आज जो है मैं आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सारा इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके लिए सारे मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। ये मैंने मैदा छान के रखा हुआ है, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लिया हुआ है, और साथ में चीनी भी मैंने ग्राइंड कर ली है, और अंडे भी मैंने 4 अंडे लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से भी फेंट लिया। अभी बाकी जब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी तो बाकी ग्राइंड फिर करूँगी, और अभी मैं यहाँ से चीज़ें जो है वो सेट कर लूँ, फिर बाकी जो है वो इसको काम स्टार्ट करते हैं। अपना फिर हैं वो जी खेल रहे हैं, देखें। और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो शुरू करने लगी हूँ। हादिया, नो, डोंट डू दिस। तो मैं अब इसमें चीनी डालूँगी, और साथ में मैं इसमें ऑयल डालूँगी, और फिर मैं अपनी बीटर चलाऊँगी। ये देखिए जी, मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया इसमें, और साथ में मैं अब इसमें डालूँगी चीनी। ये मैं खोलूँ, ये देखिए अब इसको हम जो है ना अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा भी बीट किया, इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम ज़्यादा बीट करेंगे मुसलसल। तो जी देखिए, मेरा बैटर जो है वो किस तरह का तैयार हो गया है, देखिए इतना ठीक है। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। मैंने मैदा जो है ना पहले से छान के रखा हुआ है, और मैंने इसमें जो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लिया था, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें डालूंगी और साथ में मिक्स करती जाऊंगी। खुदा जी, आपको कोई टेंशन हो रही है? नहीं। फिर आप, मैं ना पहले इसको सारा मिक्स कर लूँ। देखिए आप देख सकते हैं, ये मैंने ना एक चुटकी जो है वो इसमें कलर डाला, मेरे पास ये जो है वो पाउडर में मौजूद था कलर, तो मैंने वो डाला। और मैं इसमें अब 2 जो है ना वो ड्रॉप उसके डाल रही हूँ लेमन के, ये वनीला एसेंस के तौर पे काम करता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप लोग वो डाल सकते हैं, मेरे पास वनीला एसेंस है लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं है उसका टेस्ट, इस वजह से मैं वो नहीं डाल रही। तो मैं इसको ज़रा ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। जी आप देख सकते हैं अब इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त आ चुका है। ये केक से थोड़ा सा इसका जो है ना वो डो जो इसका जो बैटर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको मैं इसने इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है, मैं इसमें डालूँगी इसको, और इसको फिर मैं प्री हीट करने के लिए प्रेशर कुकर कब से रखा हुआ है मैं इसमें रख दूँगी, और ठीक 45 मिनट बाद मैं इसको जो है ना निकालूंगी बाहर। जी देखिए, मैंने इसको जो है वो प्रेशर कुकर में रख दिया है, मैं इसको जल्दी से बंद कर दूं ताकि इसकी जो है ना वो माय गॉड इसके जो है ना वो ये जो है वो निकल ना जाए। तो अब इसको हम कर देते हैं बंद, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको जो है ना पहले फुल आंच करती हूँ, उसके बाद मैं इसकी आंच जो है ना वो मीडियम कर दूँगी। तो फिर हम इसको तकरीबन तकरीबन 45 मिनट्स के बाद जो है वो हम इसको खोलेंगे। और मैं अभी जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। आज मैं रात को वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी है। और मैंने यहाँ से देखी कितना कचरा फैला फैल गया, उसको साथ साथ समेटूँगी। और इसकी जो है मैं आँच जो है वो हल्की कर देती हूँ। जी मेरे केक की टाइमिंग जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है इसकी, अब मैं केक इसको प्रेशर को खोलने लगी हूँ और दिखाती हूँ आपको। पहले मैं चूल्हा बंद करूँ, इसके बाद केक को नीचे उतारते हैं। तो जी टाइम मेरा पूरा हो चुका है, तो मैं केक
जी केक की आप लुक देखें। ये मैंने गोल बर्तन में बनाया है क्योंकि मेरे पास जो है वो प्रेशर कुकर गोल था, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे बर्तन में बनाया। मैं इसको काट के केक रस की शक्ल देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे केक की लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है, लेकिन इसको मैंने केक रस में बदलना है, तो उसके लिए मैं इसको पहले कटिंग कर लूँगी। तो साथ में इसको जो है ना मैंने ठंडा करके उसके बाद दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए जो है मैंने प्रेशर कुकर के अंदर रखना है। तो पहले मैं इसको कटिंग करके ठंडा कर लूँ। तो जी देखें, मैंने माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बने, इनके कलर भी देखें कितना अच्छा आया। अब मैं इनको जो है ना इस तरह से, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, ज़रा भी इनमें थोड़ी सी ना नमी है यानी कि गर्माइश है जैसे, इनको जो है ना अब मैं रखूँगी प्रेशर में और 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से ना बेक करूँगी प्रेशर में ही, ये ठंडे तकरीबन बस हो जाएं, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह से बेक होंगे। देखिए माशाल्लाह से टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है, और ये इसलिए आपको इस शक्ल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो है ना वो और कोई बर्तन था नहीं, तो यही था। वैसे मेरे प्रेशर कुकर में यही पुराना था, तो उसको गोल कटिंग किया है, गोल था ये, तो इसलिए इसकी शेप देते वक्त ना कुछ इस तरह से पीसीज आ गए हैं। अदरवाइज़ अगर मेरे पास कोई बर्तन अच्छा होता तो ज़रूर वैसे ही बनते। तो खैर कोई बात नहीं, जिनके घरों में नहीं है उन्होंने भी तो बनाना है ना, तो ये उनके लिए जो है वो एक बेस्ट तरीका होगा। तो अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर मैं इनको दोबारा बेक करूँगी। तो जी देखिए, मैं अब इसको, ये ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इनको ना दोबारा से करने लगी हूँ। वो किस तरह से करने लगी हूँ ये आप देख लें, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ नहीं है, तो देसी टोटका मेरा यही निकला, मुझे यही समझ में आया। तो मैंने रखी है इसके ऊपर छुरी, क्योंकि ये दो प्लेटें बनी हैं मेरी, उसको मैं अब इसके ऊपर ऐसे रखूँगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा ऊपर रहें, और इसको अब मैं रखूँगी ऊपर। इसको अब हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर, इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। 10 मिनट बाद मैं प्रेशर खोलूँगी, फिर आपको चेक करवाऊँगी। जी देखिए, मेरे केक रस बन के तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग इसकी थिकनेस, ऐसे नहीं पता चल रहा, आवाज़ आ रही है ना, देखा पता चल रहा है ना। देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बने हैं ना, हार्ड हैं। तो ये देखिए जी, आज मैंने फिर फर्स्ट टाइम बनाया, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ रेसिपी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा केक रस, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो लेकिन इसका ये सीन है कि इसकी जो हमने इसका बैटर जो मैंने बनाया ना, वो थोड़ा केक के बैटर की नस्बत थोड़ा हार्ड होता है। केक का बैटर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, आपने अगर नोट किया हो तो। मैंने जो है ना इसमें दूध नहीं डाला ना, तो केक के जो केक का बैटर बनाते हैं उसमें हम दूध डालते हैं। और मैं आप देखते, आपको पता है मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग का चैनल है, और मेरा चैनल कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कुकिंग का चैनल नहीं है जिसके लिए मैं पूरी तैयारी करूं और हर चीज़ अपनी सेटअप करूं। तो इसलिए जैसा भी है, ये देसी टोटके हैं, क्योंकि हर घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो जिसके घर में जो चीज़ अवेलेबल होगी उसी के मुताबिक वो जो है वो काम करेगा। अब ये तो नहीं ना कि पूरी सेटअप करने लग जाओ, तो ये फिर हमारा काम महंगा पड़ जाएगा, हमें सस्ता थोड़ी पड़ेगा। तो इसलिए आप भी अपने जो है वो जो आपकी घर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसके मुताबिक ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि आज के ज़माने में केक रस बाहर से ख़रीदना जो है ना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत महंगे केक रस हैं। तो आप सिर्फ ये 50 रुपये के मैदे के साथ, और मैंने इसमें डाले हैं 4 अंडे, और मैंने इतने सारे जो हैं वो केक रस बना लिए हैं, बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। तो जब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।